हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो पाठशाला। मैं माला खान आज आपके लिए लेकर आई हूँ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर। ये सभी क्वेश्चन वही हैं जो हम आने वाले एग्जाम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाल ही में करोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के करोड़ीमल कॉलेज में भी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कुछ पोस्ट देखने को मिली है। आप इसकी फुल इन्फॉर्मेशन, फुल अपडेट्स LIS पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि ये सभी क्वेश्चंस हमारे आने वाले एग्जाम्स जैसे DSSSB, KVS, NVS, LIS से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ हम आपके साथ 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रो पाठशाला ऑलवेज फॉर यू, ऑलवेज विद यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू SR रंगनाथन द टू कैनन्स फॉर चैन आर। SR रंगनाथन के अनुसार श्रृंखला के लिए दो सिद्धांत हैं। आंसर इज कैनन ऑफ डिस्क्रीजिंग एक्सटेंशन एंड मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर टू इज अ बुक विद टू और मोर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, दो या दो से अधिक स्वतंत्र योगदान वाली पुस्तक कहलाती है कंपोजिट बुक। क्वेश्चन नंबर थ्री इज कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन स्टैंड्स फॉर, प्रकाशन में कैटालॉगिंग का अर्थ है पैरेंटल कैटालॉगिंग। ओके, क्वेश्चन इज ISBT वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, ISBT को पहली बार पेश किया गया था AACR सेकेंड 1978 में। इज हु वॉज द टीचर ऑफ SR रंगनाथन एट लंदन, SR रंगनाथन जी के शिक्षक कौन थे लंदन में। तो राइट आंसर इज WBC सेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर इंडियन कॉपीराइट लॉ, कॉपीराइट लॉ कॉपीराइट इज ग्रांटेड फॉर भारतीय कॉपीराइट कानून, कॉपीराइट कानून के अनुसार कॉपीराइट साहित्य कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। राइट आंसर इज 60 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज सेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग पब्लिश्ड, सेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग कब प्रकाशित हुई थी। राइट आंसर इज 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द मार्क प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, मार्क परियोजना कब पूरी हुई थी। राइट आंसर इज 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग इज मेनली यूज फॉर, सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग मुख्य रूप से किसके लिए यूज की जाती है, किसके लिए उपयोग की जाती है। तो राइट आंसर इज स्मॉल एंड मीडियम लाइब्रेरीज। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया, OPEC ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग भारत में कब शुरू किया गया था। राइट आंसर इज 1980। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेटेस्ट कैनन ऑफ कैटलॉगिंग इनिशिएटेड बाय SR रंगनाथन इज, SR रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित प्रसूचीकरण का नवीनतम सिद्धांत है। राइट आंसर इज कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP वॉज लॉन्च्ड बाय, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP द्वारा लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर है यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्विस द हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू एक्वायर सॉफ्ट स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड जॉब ओरिएंटेड स्किल्स इज, यह सेवा वह सेवा जो छात्रों को सॉफ्ट स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और जॉब ओरिएंटेड स्किल्स हासिल करने में मदद करती है, क्या कहलाती है। तो राइट आंसर इज करियर गाइडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिचुएशन वर अ डिजिटल रिसोर्सेज इज नो लॉन्गर रीडेबल इज कॉल्ड, ऐसी स्थिति जहाँ एक डिजिटल संसाधन जब पढ़ने योग्य नहीं रह जाता तो कहलाता है। राइट आंसर इज डिजिटल ऑब्सोलेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज EUAL स्टैंड्स फॉर, EUAL का मतलब क्या है। तो राइट आंसर है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन PLA इज अ डिविजन ऑफ, पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन PAL एक प्रभाग है, तो ये किसका प्रभाग है। राइट आंसर है ISLIC, ISLIC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 7 बेसिक टूल्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल वॉज एडवोकेटेड बाई, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए 7 बुनियादी उपकरणों की वकालत किसके द्वारा की गई थी। राइट आंसर इज कैरो इशिकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉटका लॉज रिलेटेड टू, लॉटका का नियम संबंधित है। राइट आंसर इज साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेल्फ लिस्ट इन अ लाइब्रेरी इज यूज्ड फॉर, पुस्तकालय में शेल्फ सूची का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। राइट आंसर इज शेल्विंग ऑफ बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री कार्ड सिस्टम इज यूज्ड फॉर, तीन कार्ड
पढ़ाने का प्रयोग किया जाता है। आंसर इज एक्विजिशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोडिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट टू एक्सटेंड द प्रोसेस BUS। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेसर बस का विस्तार करने के लिए एक मध्यवर्ती के रूप में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इज ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डबलिन कोर। डबलिन कोर क्या है। राइट आंसर इज मेटाडाटा स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द डिक्शनरी ऑफ कैटलॉग। डिक्शनरी कैटलॉग किसने इन्वेंट करी। तो राइट आंसर इज सी ए कटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PERT। PERT की फुल फॉर्म क्या है। राइट आंसर इज प्रोग्राम एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एस्प्रिट द क्रॉप्स। एस्प्रिट क्रॉप्स से आप क्या समझते हैं। राइट आंसर इज टीम वर्क। इस वीडियो में इतने ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ग्रो अपार्ट चलो ऑलवेज फॉर यू ऑलवेज विद यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।